हेयर चेक, सब कुछ चेक 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 चेक। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आर परफेक्ट फॉर पोस्ट एक्ने फेस। सो हम एक्ने की तो बात करते रहते हैं, जब एक्ने हो जाते हैं ये लगाया करो वो लगाया करो, लेकिन एक्ने जाने के बाद भी या फिर वैसे भी काफी बार क्या होता है, स्किन पे अजीब सी रेडनेस हो जाती है, एकदम लोग कहते हैं हमें इन्फ्लेमेशन हो गई, कोई प्रोडक्ट यूज किया तो उसका रिएक्शन हो गया। तो हमें उस टाइम क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जो हमारी स्किन को सूद करें, उस रेडनेस को कम करें। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड। मैं अपने सारे फेवरेट बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको बताने वाली हूँ और मैंने क्या किया, इन प्रोडक्ट्स को एक स्किन केयर ऑर्डर में बना दिया है। बिकॉज मैं जब भी ऐसा सजेशन करती हूँ ना, फिर कमेंट्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि प्लीज आप पूरा रूटीन बता दो, हमें नहीं समझ आ रहा हम पहले का यूज करें बाद में क्या यूज करें। तो आपको पूरा एक रूटीन बताने वाली हूँ विद टू ऑप्शन। मैं हर एक स्टेप में आपको दो ऑप्शन दूंगी। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं आपको मल्टीपल ऑप्शन दूं ताकि आप अपने बजट या फिर ब्रांड प्रेफरेंस के हिसाब से पिक कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक व्हिच इज फेस वॉश। तो जब भी आपका पोस्ट एक्ने वाला फेज आता है, जब स्किन रेड रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, वैसे भी आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, उस टाइम हमें हमेशा कोशिश करनी है हमारा जो फेस वॉश है उसके अंदर कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट ना हो, सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो ना हो, बिकॉज उनसे हमारी स्किन और रेड हो सकती है। तो एक जेंटल फेस वॉश यूज करना बहुत जरूरी है ताकि स्किन क्लेंज भी हो जाए, एट द सेम टाइम रेडनेस को वो बढ़ाए ना। तो मेरा जो करंट फेवरेट फेस वॉश है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने मंथली फेवरेट्स में दिखाया है, वो है ये सेरावी का फोमिंग क्लेंजर। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है। इट हैज 3 एसेंशियल सेरामाइड, नायसिनमाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड। इसके क्लेम में भी यही लिखा है कि ये क्लेंज करता है, रिमूव करता है ऑयल को विदाउट डिस्ट्रप्टिंग द प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर ऑफ फेस एंड बॉडी। ये जो सेरावी का फेस वॉश होता है, आप फेस बॉडी दोनों पे यूज कर सकते हो। मैं खाली फेस के लिए यूज करती हूँ बिकॉज बाहर से मंगवाया यार, काफी एक्सपेंसिव है। सेरावी अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आपको अगर अमेजोन से मंगाना है तो 2,500-3,000 का मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई भी रिलेटिव बाहर से आ रहा है ना, प्लीज ये उनसे मंगवा लो, ये बहुत सही प्रोडक्ट है। डेफिनेटली आपकी स्किन को सूद करता है, क्लेंस बहुत अच्छे से करता है, स्किन के बैरियर आपका जो खराब हो जाता है ना, काफी बार आप कुछ ऐसा यूज कर लेते हो स्किन पर रिएक्शन हो जाता है, तो उस टाइम पे आप ये फेस वॉश यूज कर सकते हो। बिफोर यू गाइस से कि कुछ ऐसा बताओ जो हम इजिली बाय कर सके, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये सिंपल का रिफ्रेशिंग फेशियल वॉश। 100% सोप फ्री फेस वॉश है, इनफैक्ट ये अल्कोहल फ्री है, कोई भी सोप नहीं है, हार्ड केमिकल नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, परफ्यूम नहीं है। सो काफी जेंटल फेस वॉश है, स्किन को क्लेंस कर देता है, एट द सेम टाइम स्किन पे रेडनेस नहीं बढ़ाता। इसके अंदर भी सूदिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर भी कोई हार्श केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है जो मेरी स्किन को और रेड बना देगा। तो अगर आपकी भी सेंसिटिव स्किन है या फिर इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, आई थिंक दीज टू फेस वॉश आर परफेक्ट। सो फेस को अच्छे से क्लेंस करने के बाद बारी आती है टोनर यूज करने की। मैं पर्सनली इतना ज्यादा टोनर नहीं यूज करती, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं टोनर्स बहुत कम यूज करती हूँ जब मुझे लगता है हमें स्किन को नीड है, बिकॉज अदरवाइज मैं रोज वाटर स्प्रे करती हूँ ताकि मैं सीरम्स को डैम स्किन पर लगा सकूँ। बट स्टिल मैं आपको एक रूटीन सजेस्ट कर रही हूँ तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने का। सो टोनर नंबर वन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जब भी आपकी स्किन पर रेडनेस हो या फिर आपको अपनी स्किन को सूद करना हो, वो है ये प्लम का नायसिनमाइड एंड राइस वाटर टोनर। प्लम का जो सीरम आया था नायसिनमाइड का, उन्होंने सेम रेंज का एक टोनर लॉन्च कर दिया है, उसके अंदर 10% नायसिनमाइड है, इसके अंदर 3% नायसिनमाइड है। अगर आपको नहीं पता, नायसिनमाइड एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट होता है, जब भी हमारी स्किन पर रेडनेस होती है या फिर पोस्ट एक्ने के इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिर काफी बार हमारा स्किन का प्रोटेक्टिव बैरियर खराब हो जाता है, नायसिनमाइड उसको रिपेयर करने में बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। सो सिमिलर वे ये टोनर भी उसी तरह से आपकी स्किन को सूद करेगा, नरिश करेगा। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से आती है, सो आप ऐसे लेके अपने हाथ के ऊपर स्प्रेड करके डैप डैप कर सकते हो। कॉटन से मत अप्लाई करना, हाथों से ऐसे प्रेस करना, थोड़ी सी स्किन डैम्प होती है, फिर आप उसके ऊपर सीरम लगा सकते हो ताकि सीरम और अच्छा वर्क करे। सो ये तो हो गया टोनर नंबर वन, ये आप प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, मेरा एफिलिएट कोड है प्लम की वेबसाइट पे Kashika15, सो आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे भी ये मिल जाता है एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो गुड। इसके अंदर बाय द वे राइस वाटर भी है, दोनों राइस वाटर एंड नायसिनमाइड मिलकर स्किन को सूद करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है। सेकंड ऑप्शन जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मैंने इनके साथ स्पॉन्सर्ड पोस्ट किया अभी इंस्टाग्राम पर, तो इन्होंने मुझे पूरी रेंज भेजी थी, इस रेंज के मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे थे। सो उसी रेंज का है ये टोनर, ये है डॉट एंड की का सीका कामिंग स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। इसके अंदर ग्रीन टी है एंड नायसिनमाइड है। अगेन ये जो पूरी रेंज है ना सीका वाली, इन्होंने लॉन्च के हिसाब से करी है, जो स्किन को काम करती है, नरिश करती है। तो काफी बार जब एक्ने के ब्रेकआउट्स अजीब से हो जाते हैं, स्किन रेड हो जाती है, तो उस टाइम पे आप ये टोनर यूज कर सकते हो। काफी क्यूट इसकी पैकेजिंग है, सिमिलर इसकी भी ऐसी पैकेजिंग आती है।
आप इसे डैप करके अपने फेस पे लगा सकते हो। सो सीका अगर आपको नहीं पता बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट होता है जो स्किन को काम डाउन करता है, रेडनेस को कम करता है। फिर इसके अंदर ग्रीन टी भी है जो थोड़े बहुत एक्ने से भी फाइट करेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्किन के ऊपर। इसके अंदर नायसिनमाइड है जो अगेन हमारी स्किन को सूथ करेगा। सो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, खाली आपको रेडनेस है या फिर इन्फ्लेमेशन है, तो आप ये प्लम वाला ले सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्ने भी है, आपको ऑयलीनेस बहुत ज्यादा है, ग्रीसीनेस बहुत ज्यादा है, तो आप ये डॉटन की वाला ले सकते हो, बिकॉज ये एक्ने और फिर जो रेडनेस होती है दोनों के साथ काम करेगा। दोनों की वेबसाइट पे मेरा कोड वर्क करता है विच इज कशिका 15। आप दोनों की वेबसाइट पे अप्लाई करोगे आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिल जाएगा। लिंक्स आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप सीरम के ऊपर। मुझे सबसे ज्यादा डीएम्स इसी पर आता है कि दीदी हमारी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो गए, मेरी रेडनेस बहुत ज्यादा हो रही है, मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लिया, मेरी स्किन अजीब सी रेड हो गई, मुझे डर्मैट ने कोई जेल दिया, मेरी स्किन बहुत अजीब सी ऐसे हो गई, तो मैं उस टाइम सीरम कौन से लगाऊं? तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ आप सीरम कोई भी लो, उसके अंदर केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी आपकी स्किन रेड है, इन्फ्लेम्ड है, ड्राइनेस हो चुकी है, काफी जगह लोगों को ड्राई पैचेस हो जाते हैं कोई प्रोडक्ट यूज करने से, तो उस टाइम पे हमें सूदिंग प्रोडक्ट्स लगाने हैं ताकि हमारी स्किन सूद हो। सो सीरम के वे में मेरे पास तीन ऑप्शन है सीरम के। सबसे पहला जो मैं सीरम रेकमेंड करूंगी, जब भी आपको ये वाली सिचुएशन होती है, एक सिंपल हाइलुरोनिक एसिड सीरम, दैट्स इट। आपको कोई भी सैलिसिलिक एसिड, मतलब कोई भी भरा हुआ ऐसा इंग्रेडिएंट मत लगाओ जो स्किन को और रेड कर दे। इवन विटामिन सी भी आपको तब स्किप करना चाहिए, विटामिन सी से भी थोड़ी सी स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है। तो एक सिंपल हाइलुरोनिक एसिड सीरम बेस्ट है। आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, अब ये ड्रॉपर में भी नहीं आ रहा है। ये लॉरियल का रिवाइटलिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम, सच एन अमेजिंग सीरम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लॉरियल जैसी ब्रांड से मुझे इतना अच्छा लग जाएगा ये सीरम। कोई सीधा फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई और फालतू इन्होंने इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ, एक सिंपल 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है जो स्किन को नरिश करता है। और इसको हल्की सी डैम स्किन पर लगाया करो, तो जब भी आप ऐसे टोनर लगाते हो ना, ये लगाने के बाद हल्की स्किन हमारी गीली गीली रहती है, तो उसके ऊपर इसको लगाया करो, हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। आप इसको सुबह शाम रात को कभी भी लगा सकते हो। हाइलुरोनिक एसिड आप मल्टीपल टाइम्स में यूज कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप हैवी मेकअप करते हो और आपकी स्किन रेड है, काफी बार होता है, मुझे भी वेडिंग के बीच में भी बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो गए थे, बिकॉज भर भर के मीठा खाया था शादियों में, तो ब्रेकआउट्स भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर जब शादी नेक्स्ट शादी का मेकअप करो तो स्किन पे अजीब सी ड्राइनेस रहती है ना, तो उस टाइम पे भी आप ये यूज कर सकते हो, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड ये करके रखेगा। तो ये तो हो गया नंबर वन ऑप्शन। माय सेकंड फेवरेट सीरम इज दिस बी मिनिमलिस्ट अल्फा आर्बिटिन 2% एंड हाइलुरोनिक एसिड 1%। तो लॉरियल वाले में 1.5% हाइलुरोनिक एसिड है, सिंपल। इसके अंदर 1% हाइलुरोनिक एसिड मिलेगा, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर 2% अल्फा आर्बिटिन भी मिलेगा। अगेन अल्फा आर्बिटिन जो होता है वो भी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता आपकी स्किन के ऊपर, कोई भी लाइक केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को और ज्यादा टिंगली फील कराएगा या फिर हार्श फील होगा। ये भी काफी अच्छा एक सूदिंग इंग्रेडिएंट है। इनफैक्ट अल्फा आर्बिटिन आपके स्किन के जो मार्क्स होते हैं, पिगमेंटेशन जो काफी बार डार्कनेस हो जाती है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि आपको जो ऐसा प्रोडक्ट यूज कर लेते हो जिससे आपकी स्किन और डार्क हो जाती है, वहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं डार्कनेस के, तो उस सेंस में भी अल्फा आर्बिटिन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ये ओवरऑल आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है। ये भी मैंने कंप्लीटली खत्म कर दिया। ये दोनों सीरम तो लिटरली मुझे रीस्टॉक करने पड़ेंगे। आज सुबह ही मैंने इसको डैप डैप करके निकाला है। इसकी भी कंसिस्टेंसी एकदम हाइलुरोनिक एसिड जैसी है। आई विश मैं आपको दिखा सकती, बट ये लिटरली मैंने सुबह डैप डैप करके निकाला है। इट इज कंप्लीटली फिनिश्ड। दोनों में से कोई भी पिकअप कर सकते हो। आपको खाली हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करना है तो दिस इज परफेक्ट। अदरवाइज अगर आप एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन या थोड़ी सी डार्कनेस पे भी वर्क कर रहे हो तो आप ये अल्फा आर्बिटिन वाला पिकअप कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग। माय लास्ट सजेशन द सीरम कैटेगरी इज दिस प्लम का नायसिनमाइड एंड राइस वाटर सीरम। सो जो टोनर था वो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, लेकिन ये सीरम पहले ही आ चुका था। मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है सीरम के ऊपर, तो प्लीज आप वो जाकर देखना, मैं नीचे लिंक कर दूंगी। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसकी एप्लीकेशन कैसी है, इसको कब लगाना चाहिए, लेयरिंग कैसे कैसे करनी चाहिए, कि आप नायसिनमाइड के साथ क्या लेयर कर सकते हो, क्या लेयर नहीं कर सकते हो। सो प्लीज वो जाके देखना। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, इसके अंदर 10% नायसिनमाइड है, प्लस इसके अंदर राइस वाटर भी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आपके रेगुलर जो आपको मार्केट में नायसिनमाइड मिलते हैं ना, उनसे काफी डिफरेंट है। जस्ट शो यू, यू कैन सी एकदम इसकी वाइट कलर की ऐसी कंसिस्टेंसी है। एंड वंस यू ब्लेंड इट इनटू योर स्किन, ये काफी जल्दी स्किन में चला जाता है। अगेन एज आई सेड, नायसिनमाइड जो होता है वो एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट है हमारी स्किन को सूथ करने के लिए, रेडनेस को कम करने के लिए, एक्ने मार्क्स पे वर्क करता है। अगेन जो हमारी स्किन का बैरियर खराब हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। फ्रेग्रेंस फ्री है, नॉन कॉमेडोजेनिक है, कोई भी एसेंशियल ऑयल नहीं है, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस इन्होंने नहीं डाली हुई। सो सिंस इस फॉर्मुलेशन में कोई भी एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी तरह का इन्होंने एसेंशियल ऑयल नहीं डाले, तो ये भी आपकी स्किन पे एकदम सूदिंग वे में काम करेगा। अगर आप मार्केट में से कोई ऐसा नायसिनमाइड भी ले लो जिसके अंदर भर भर के फ्रेग्रेंस हो या फिर कोई एसेंशियल ऑयल उन्होंने एक्स्ट्रा और डाल दिया, तो उससे भी चांस होता है आपकी स्किन और रेड हो जाती है। तो सूदिंग के सेंस में मुझे ये वाला सीरम एकदम परफेक्ट लगता है। आई थिंक अब तक मैंने जितने भी नायसिनमाइड सीरम यूज किया ना, मुझे सबसे बेस्ट यही सीरम लगा है। सो डेफिनेटली ट्राई। नाउ कमिंग टू मॉइस्चराइजर, सर्दियों गर्मियों में मॉइस्चराइजर लगाना ही लगाना है। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब स्किन रेड होती है, काफी बार ड्राइनेस हो जाती है, मेरी ऑयली स्किन है, लेकिन हम कुछ ऐसा यूज कर लेते हैं सैलिसिलिक एसिड या कोई
केमिकल एक्सफोलिएंट ज्यादा यूज कर लिया, स्किन अजीब सी ड्राई हो जाती है, मुझे तो यहाँ पे पैचेस में पीलिंग होना भी शुरू हो जाती है, तो उस सेंस में तो मैं मॉइस्चराइजर हमेशा यूज करती हूँ, ऐसा नहीं मैं डायरेक्टली सनस्क्रीन पे स्किप कर जाती हूँ। सो सबसे पहला जो मेरा ऑप्शन है मॉइस्चराइजर का, वो है मेरा रीसेंट फाइन ईक्लैट का डबल रिपेयर हाइड्रा मॉइस्ट हाइड्रो प्लम्पिंग वेटलेस मॉइस्चराइजर क्रीम विद प्रो बायो बैलेंस। बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, जैसे इसका नाम है हाइड्रा मॉइस्ट है, लेकिन ये वेटलेस क्रीम है, ये बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होती। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है लेकिन आपकी स्किन पर रेडनेस है, आप थोड़ा सा अपनी स्किन की रेडनेस को कम करना चाहते हो, ये मॉइस्चराइजिंग एकदम परफेक्ट है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है दिस मॉइस्चराइजर कंटेन्स सेरामाइड। सेरामाइड बहुत अच्छे होते हैं हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, सूथ करने के लिए। ऑल्सो ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन को, कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेज बूस्ट रेगुलेट करता है पीएच लेवल को, स्किन को थोड़ा सा ड्यूई बना के रखता है। इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एज आई ऑलवेज से ईक्लैट की जब भी फ्लैट 40 सेल आती है ग्रैब कर लिया करो, अदरवाइज 20% ऑफ का तो मेरा कोड इस पे चलता ही चलता है, तो आप इसको 20% ऑफ पे भी ले सकते हो। बट ओवरऑल आई लाइक इट, ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा निचोड़ के दिखा सकती हूँ, नहीं मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, मैंने अपने एम्प्टीज वाले बैग में डाल दिया था बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट फिनिश। तो ये कुछ इस तरह की वाइट कलर की क्रीम है, बहुत जल्दी स्किन में चली जाती है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होती, ग्रीसी फील नहीं होती, स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करके रखती है। एट द सेम टाइम जैसे इसका नाम है ना वेटलेस, ये लिटरली वेटलेस है, तो आप इसको अपने मेकअप के नीचे भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑप्शन नंबर वन। सेकंड मॉइस्चराइजर इज अ सुपर रीसेंट फाइन, ये मैंने बिल्कुल अभी ऑर्डर किया अमेजोन से, एक या दो दिन ही हुए होंगे, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको फीचर कर दिया। मुझे इसको और टाइम देने की जरूरत है, मैं जब से इसको यूज कर रही हूं मुझे जेनरली काफी सही लग रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे डर्मैट्स को फॉलो करती हूं, सो इंडियन के जो डर्मैट्स होते हैं उसमें से एक मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने यही मॉइस्चराइजर सजेस्ट किया था फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। इसका नाम है ये सिप्ला का, बाय द वे जो मेडिसिन एंड ऑल बनाते हैं, ये एक्सेला मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, ये लिटरली हमारी कैटेगरी के लिए मॉइस्चराइजर बना है। ये रिड्यूस करता है सीबम सिक्रीशन को, नॉन कॉमेडोजेनिक है, मैट ये फील देता है, फ्रेग्रेंस फ्री एंड पैराबिन फ्री है। अगेन मैं आपको जितने भी अब तक प्रोडक्ट्स बताए ना सबके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं है, बिकॉज जब स्किन इरिटेटेड होती है, रेड होती है, कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस एसेंशियल ऑयल हम ना यूज करें तो बेटर रहेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईक्लैट मॉइस्चराइजर बिकॉज इसमें मुझे हल्की सी कुछ फील होता है, आई थिंक इन्होंने कुछ ऑयल डाला हुआ है उसकी वजह से इसमें खुशबू है, बट आई थिंक ये भी फ्रेग्रेंस फ्री होगा, बट ये वाली कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री है, ये क्लेम भी यही करती है। ये मुझे काफी सही लगी, मैंने अमेजोन से रिसेंटली ऑर्डर की है, एंड दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। सो सब व्हाइट कलर की क्रीम है, जेल सॉर्ट ऑफ एक क्रीम, मतलब जेल नहीं बोलूंगी लेकिन लाइट काफी फील होती है स्किन के अंदर, बहुत जल्दी चली जाती है। इसका बिल्कुल भी एकदम मैट एकदम सूखा इफेक्ट नहीं है, मतलब जैसे क्लेम करती है मैट फील, एकदम सूखा सूखा स्किन पे फील नहीं होता, एक अच्छी ड्यूइनेस रहती है स्किन के ऊपर विच आई लाइक। एकदम सूखा ही मुझे अच्छा नहीं लगता बिकॉज फिर मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ तो वो पील होनी शुरू हो जाती है, सो आई रियली लाइक द फील। ऑल्सो मैंने सॉ द इंग्रेडिएंट्स, इसमें प्योरीफाइड वाटर के बाद जो लिखा हुआ है नायसिनमाइड लिखा हुआ है, सो आई थिंक इसके अंदर नायसिनमाइड की भी अच्छी खासी क्वांटिटी होगी बिकॉज इंग्रेडिएंट लिस्ट में टॉप पे आ रहा है। सो डेफिनेटली ये भी स्किन को सूथ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अगर आपको एक्ने है, एक्ने मार्क्स वाली स्किन है, या फिर वही पोस्ट एक्ने की रेडनेस है, आप तीनों सिचुएशन में मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो बिकॉज ये हमारी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बना है। बाय द वे इफ यू आर न्यू हियर, मैं बता देती हूँ मेरी स्किन टाइप इज ऑयली एक्ने प्रोन, मुझे हार्मोनल ब्रेकआउट्स होते हैं जो पीसीओएस एंड ऑल कंडीशन की वजह से होते हैं, इसलिए मैं ऐसे वाले प्रोडक्ट ज्यादा यूज करती हूँ जो मेरे एक्ने में भी थोड़ा बहुत ऑयल सिक्रीशन भी जो होती है ना उसको कम करने में हेल्प करे। नाउ ये जो पूरा रूटीन मैंने आपको बताया, अगर आप ये मॉर्निंग में फॉलो कर रहे हो इसके बाद आप लगा सकते हो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन में अभी नई फीचर कर रही बिकॉज मैं पूरी एक वीडियो बनाने वाली हूँ अबाउट ऑल द सनस्क्रीन जो मैंने अभी तक ट्राई करी है, उसके ना आई थिंक 8 से 10 सनस्क्रीन होने वाली है, मैं उसके नोट्स बना रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में आपको दिख जाएगी, इसलिए मैं अभी मेंशन नहीं कर रही। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब रहो मेरे चैनल पे, वो बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। ये रूटीन अगर आप रात को ट्राई करोगे ना, लाइक रात को आप सेम रूटीन सीटीएम फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो इट। उसके अलावा रात को आप एक स्टेप और ऐड कर सकते हो टू जस्ट सूद योर स्किन, ये मेरा एक न्यू फाइंड है जो है सेम डॉटन की सीका रेंज का सीका कामिंग स्किन रिन्यूइंग नाइट जेल, दिस इज सो 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 गुड। सबसे पहले मैंने यही ट्राई किया था उनकी पूरी रेंज में से, मुझे इतना पसंद आया था ना, मतलब आई वाज लाइक शूट करने से पहले मैं इसको खत्म ना कर दूं बिकॉज मैं ऑलरेडी इसका मिड हिट कर चुकी हूं, मैं इसको रीपर्चेज करने वाली हूं, मुझे पीआर में आया था लेकिन मैं डेफिनेटली इसको परचेज करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये एलोवेरा बेस्ड एक जेल सॉर्ट ऑफ है, इसका जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा ही है, सो एलोवेरा तो आपको मिल ही रहा है जो कहीं ना कहीं सूथ करता है। इसके अलावा इसके अंदर सीका है, इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है, नायसिनमाइड है, इसके अंदर सेरामाइड्स भी है, थोड़ा सा इसके अंदर सैल्सिलिक एसिड भी है, लेकिन वो बिल्कुल भी स्किन पे इतना कोई रेडनेस नहीं देता। सो ओवरऑल एकदम परफेक्ट जेल है अगर आपको एक्ने है, एक्ने के मार्क्स हैं, फिर रात के लिए आप कुछ ऐसा देख रहे हो कि एक स्लीपिंग पैक की तरह काम करे। मैं इसकी एक थिन लेयर लगा के ना अच्छे से मसाज करके थोड़ी देर में सूख जाती है, फिर मैं सो जाती हूँ, सो एक स्लीपिंग पैक का भी काफी सही काम करता है, डेफिनेटली वेरी नाइस। अगर मैं एक चीज इनकी सीका रेंज में से आपको रिकमेंड करूंगी, लाइक टोनर शायद आप स्किप कर सकते हो, बट ये जेल डेफिनेटली ट्राई करना। आई एम
loving it. And with this, my soothing skincare routine video is over. I hope ये video आपके लिए helpful रहेगी. मैंने पूरी कोशिश करी है सबसे best products आपको suggest करने की जो ऐसे phase में बहुत ज़्यादा काम आते हैं. इसके अलावा please do suggest me in the comment section below. आप बताओ जब आपके acne वाला face चला जाता है, जब आपको redness होती है, inflammation होती है, आप क्या use करते हो? अगर आपके पास कोई अच्छा suggestion है, तो please मुझे comment section में बताना. I always say comment section को थोड़ा सा useful बनाया करो ताकि जो पढ़े उसको भी कुछ नया सीखने को मिले. इन सबके links आपको easily description box में मिल जाएंगे. और अगर मेरा कोई भी डिस्काउंट कोड होगा वो भी मैं साथ में लिख दूंगी. आप उनकी वेबसाइट से लोगे आपको डिस्काउंट मिलेगा, मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग मिल जाएगी बिकॉज ये एफिलिएट कोड्स होते हैं. एंड या डू फॉलो मेरे इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पर भी मैं स्टोरीज के थ्रू, रील्स के थ्रू बहुत सारे रिव्यूज करती हूँ, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं. इसके अलावा आप मेरी पुरानी वीडियोज यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने एक्ने के ऊपर बनाई है, स्किन केयर पर बनाई है. यू कैन डेफिनेटली रीच आउट एंड वॉच दीज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.